गुड इवनिंग, आप सभी अच्छे हो। इंतजार तो करना होता है कोई चीज पाने के लिए। ऐप पर जाओगे या दूसरे ऑप्शन पर, मैं जल्द ही घोषणा कर दूंगा। दो चार क्लास लेने हैं, गैप गैप करके भी मिले, चूंकि अभी तक बीच में एक सोमवार का माहौल है, लास्ट सोमवार ही है, रक्षाबंधन है, इसके बाद बंधन टूट जाएंगे और लगातार हम लोग चलते रहेंगे। सप्ताह में 5 दिन चलने की योजना है, एकाध दिन एक्स्ट्रा भी कभी कभी चलेंगे। मोबाइल जरूरी भी है, मजबूरी भी है। कुछ गार्जियंस कहते हैं कि मोबाइल में बेचारा लिपटा हुआ रहता है, या अनावश्यक योजना करें। यूट्यूब पर बहुत चीज परोसी जाती है, इसलिए यूट्यूब पर बहुत कम दिन तक देंगे, फ्री क्लासेस देंगे। वैसे 26.4 सब्सक्राइबर हैं, यानी 26,400, अलग 17,46,000 व्यूज हैं, जबकि यूट्यूब पर हम कम लिया करते हैं। ऐप पर बच्चे को लेते हैं, ऐप पर बाहरी बच्चे के फी लगते हैं, लेकिन अपने बच्चे को इस बार निःशुल्क किया जा रहा है, जिस तरह कोरोना काल में किया गया था। प्यारे बच्चों, ये 4 साल से तो सेंटर सब जूझ ही रही थी, 20, 21, 22 में आधी, और आधा में भी जो संतोष हुआ उसको भी निशाना साधा गवर्नमेंट ने और बाधा डाल दिया। हम लोग तो गुजारिश कर रहे थे सरकार से कम प्लस टू वाले बच्चे को आज़ाद इस साल के लिए कर दिया जाता। महीने हैं 4, स्कूल कॉलेज में समय होगा बेकार, क्योंकि संसाधन नहीं, टीचर्स नहीं। खैर, सरकार सरकार है, बहुत विरोध तो नहीं कर सकते, परंतु आप लोग वहाँ जाते हुए ऑनलाइन क्लास भी लेते रहें, परीक्षा की तैयारी करें, परिणाम बेहतर होना चाहिए, और जब भी कोई दिक्कत हो, बाधा हो, यहाँ आ जाइएगा। आज मैं प्लस टू वाले के लिए 5 मार्क्स यानी 5 नंबर को लुटाने जा रहा हूँ। यूँ पढ़े हुए थे क्लास में, कुछ चीज़ दोहरा रहा हूँ, फिर नई चीज़ को हम लोग लेते हुए सूचीबद्ध करते हुए चलेंगे। आज आपके एक समरी नहीं लिखना हो और उसके बदले मैचिंग बनाना हो, तो मैचिंग के लिए हम लोग आ रहे हैं। मात्र 10 कविता का नाम और कवि का नाम याद रखेंगे तो मैचिंग बन जाएगी। 2-3 सीट अभी हम बनवा भी देंगे सेट, ध्यान दें। 5 मार्क्स के लिए पोएम का मैचिंग, पहले इस लिस्ट को याद कर लें मेरे बच्चे। मैचिंग में नेम मैच द नेम गिवन इन ए विद बी, ए बी को मिलाना है, एक बल कवि एक बल कविता, या फिर कविता इधर कवि उधर, आंसर जाएगा किधर, उसी में जाएगा। इसे ठीक से याद रखेंगे, पहले ध्यान देंगे। पोएट माने कवि, पोएट्री मीन्स कविता। जॉन डन, इसने लिखा है, कंपोज किया, रचना किया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव, ए मेरी मधुरतम प्यार, मैं तुमसे दूर जाना नहीं जाता नहीं। ये मत सोच लो कैसे फिटर लव को हम खोजने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह विश्लेषण करेंगे। कुछ पुराने रिकॉर्डेड भी हम आपको देंगे, जो मेरी ही लेक्चर है, और विधिवत रूप से आपको खत्म करना है कम समय में ज्यादा, इसलिए निःशुल्क क्लास की हमने योजना बनाया है। कुछ आउटसाइडर होंगे, वो देंगे, जिससे पीडीएफ वगैरह सेट कराने में हमको मदद मिल जाएगी। वाल्ट व्हिटमैन सांग ऑफ माई सेल्फ, WH Auden, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के गीत, अब नाम को पढ़िए, जान किड्स टू आटम, यानी और टू आटम पज्झर के गीत। वाल्ट डेलामेयर, एन एपिटाफ, रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर, TS Eliot मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी नाम है बिलार का, इन माई के बेटी, ऐसा नहीं, आगे आओ। मिस्ट्री कैट, रहस्यमय बिलार के बारे में लिखा है। KKN दारूवाला, जिनका शॉर्ट नेम KN दारूवाला है, ये पारसी थे, पारसी लोग का टाइटल होता है दारूवाला, पानी वाला, बाल्टा वाला, पूड़ी वाला वगैरह, डब्बा वाला, झुंझुन वाला, है ना। DH Lawrence, लॉरेंस बोलेंगे, लॉरेंस नहीं, लॉरेंस, इसने लिखा है स्नेक। और कमला दास, जो केरला त्रिशूर की थी, कमला सुरैया इनका घरेलू नाम था, कमला दास के नाम से जानते हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इन्होंने कंपोज किया, लिखा है। आइए अब ऊपर के सभी पोएम्स एंड पोएट्स के नाम मैचिंग रहेंगे, तथा एक दो ऑब्जेक्टिव भी आता है, जैसे स्वीटेस्ट लव हैज बीन कंपोज बाय, 4 कवि का नाम दे देगा, या जॉन डन हैज कंपोज, 4 पोएम का नाम दे देगा, यही लिस्ट से आपको बन जाएगी। आइए मैचिंग करना सिखाते हैं, यदि लिस्ट आप ध्यान में दे दिए हैं तो। 2-3 बार बनाइए, घर पर में अपने हो जाएगा। Set 1, मैच द नेम्स ऑफ द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए, ए में पोएट्स का नाम दिया होगा, एंड विद देयर पोएम्स या वर्क्स
वर्ड्स नहीं वर्क्स, डब्ल्यू आर के एस वर्क्स इन लिस्ट बी, लिस्ट बी में इनके वर्क्स रचनाएं हैं, तो इनको मैच करना है। आइए हम देखते हैं। वाल्टर डेला मेयर ने रचना किया, हम छोटा कर देते हैं ताकि जल्दी मिल जाए, लिस्ट ए और लिस्ट बी। वाल्टर डेला मेयर ने रचना किया कौन सी मालूम? एन एपिटाफ। तो वन का आंसर कौन हुआ? बी। दूसरा है के की एन दारूवाला, दारूवाला टाइटल है, इसने लिखा फायर हिम, एच वाई एम एन, एम के बाद एन आता है, साइलेंट कर देना, हिम पढ़ना। आग की पवित्र गीत स्तुति स्मृति गीत, ये आग के बारे में गाते हैं, कभी क्षमा याचना करते हैं, इसे टाइटल दी गए फायर हिम। तीसरा है जॉन डन, जॉन डन ने कंपोज किया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव, ओके। वाल्टर वाल्ट व्हिटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, याद है तो फटाफट बन जाएगा, है ना। रूपर्ट ब्रूक एन एपिटाफ, सॉरी रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर, है ना द सोल्जर। अब आइए आंसर हम लिख दें कलम, वाल्टर डेला मेयर एन एपिटाफ, वन का बी, इसका बी आंसर होगा। दूसरा केकी एन दारूवाला फायर हिम, सी जॉन डन स्वीटेस्ट लव, ए वाल्ट व्हिटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, ई और रूपर्ट ब्रूक, डी। ये आंसर है, आंसर नीचे भी हमने टाइप करके दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए बी सी ए ई डी हम मिला लेते हैं, बी सी ए, है ना, ई डी, ये आंसर भी आपका दिया हुआ है। दूसरा सेट बना, उल्टा कर दिया गया क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? मैच द नेम्स ऑफ द पोएम्स गिवन इन ए, अब ए में पोएम कर दिया, बी में पोएट्स कवि का नाम है, उससे मतलब नहीं, आपको मैच करना है, तो कैच करो मैच करो, जल्दी से हम लोग आता है। चलो बाबू मेरे याद होगा, अभी तुरंत बना हो तुरंत बना लोगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की रचना किया है वाल्ट व्हिटमैन, तो चलो हमारा आंसर होना चाहिए वाल्ट व्हिटमैन। ये कहां पर है? डी पर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कामला दास, ये कहां पर होगा? ए पर। एन एपिटाफ वाल्टर डेला मेयर, ये कहां है? बी में। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, आंसर कहां है? ई में। टू ऑटम पतझड़ के गीत जॉन किट्स, आंसर कहां होगा? सी में। यानी इधर से उधर दिया, उधर से उधर उल्टा भी, तो आप मैच कर लेते हैं, 10 नाम याद कर लीजिए, 5 नंबर आपके पॉकेट में हो जाएगा, और एक समरी नहीं लिखना चाहेंगे उसके बदले में रहता है, कितना मजा आ रहा है, आराम से बन जाएगा। सेट थ्री भी हम लोग बनाएगा, आंसर दे दिया है। सेट थ्री मैच द नेम्स ऑफ द पोएम्स, पोएम्स ए में दिया, बी में पोएट दिया, मिलाना 5 मार्क्स का, चलो हम लोग मिलाता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन होगा, आगे होगा जॉन डन, वन का डी। दूसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच आर एन, डब्ल्यू एच आर एन ए में है। टू ऑटम पतझड़ के गीत जॉन किट्स, जॉन किट्स, जॉन किट्स यहां है ई में, ठीक है। ओके थ्री का, और फोर में एन एपिटाफ, एन एपिटाफ वाल्टर डेला मेयर कहीं पर होंगे, सी सी सी। एंड फाइव स्नेक डी एच लॉरेंस, डी एच लॉरेंस कहां पर है? बी। आंसर में दिया है तो आप मैच कर लोगे, नंबर कैच हो जाएगा, मास कैच हो जाएगा, अतः मेरे बच्चे इसको ठीक से पढ़ना है बनाना है, इसका भी आंसर दे दिया। आउटसाइडर स्टूडेंट्स जो भी होंगे ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, अभी कास्टिंग चल रही है और कास्टिंग में ही 5-5 नंबर का हम लुटाई भी कर रहे हैं। आप आराम से बनाएंगे, आराम से मेरी भाषा को समझेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं होगा। नोट्स 2-3 दिन पर आपको PDF के बहाने मिल जाएंगे, 2-3 क्लास के बाद 2-4-5 दिन का एक के साथ मिल जाएगा, इस तरह मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आप कोर्स खरीद सकते हो, पूरे कोर्स
बाहरी वाले के लिए 1000 और 199 में PDF, हिंदी उसी में फ्री मिलेगी ऑनलाइन, है ना। आपको क्रैश कोर्स 500 रुपये में, 199 PDF, हिंदी की कोर्स और PDF फ्री मिलेंगे। बाहरी बच्चे को ही PDF लेना है, यहाँ के बच्चे को प्रिंटेड मिलेगा आराम से, कोई फिक्र नहीं लगेगी, ठीक ना। चलिए टाइम तो आप समझते हैं, 6 से 7 में 20 से 25 मिनट की क्लास, कभी 30 मिनट की क्लास आपको होगा। 6 से 7 में प्लस टू वाले के लिए इंग्लिश 5 दिन, है ना। फाउंडेशन 11th के लिए 7 से 8 4 दिन, और वही 3 दिन जो बचेगा उसमें हिंदी होंगे 7 से 8 में। धन्यवाद। बुलेटिन समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले दिन 5 मार्च के साथ, और तब तक YouTube को सब्सक्राइब करके 2-4-5 क्लास कीजिए। ए कुमार सर समस्तीपुर, ए कुमार लाइव क्लासेस, हम ही आएंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे बाद में अगले दिन।